हे गाइस, वेलकम टू वाईफाई क्लासेस। मेरा नाम है गौरव और आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट। एंड गाइस, दिस इज़ पार्ट 5। अगर आपने बाकी के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो गाइस फटाफट जाइए और उन्हें देख लीजिए। मैंने 1 to 50 करवा दिए हैं, 50 तक करवा चुका हूँ, ये 51 से स्टार्ट करवा रहा हूँ। सो विदाउट वेस्टेड टाइम स्टार्ट करते हैं और विथ ट्रिक्स, राइट। सो पहला 51 है सेलिनोमीटर। ये क्या करता है भाई साहब? डिटरमाइन सेलिनिटी ऑफ सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है, ये सॉल्यूशन की सेलिनिटी बताता है। और सेलिनिटी मतलब क्या होता है गाइस? मतलब कोई जैसे वाटर है, उसकी उसके अंदर कितना सॉल्ट है ना, किस क्वांटिटी में सॉल्ट है, उस चीज़ को सेलिनिटी बोलते हैं। तो कोई सॉल्यूशन है उसके अंदर सेलिनिटी बताना है, तो कौन बताएगा? ये सेलिनोमीटर बताएगा, ठीक है, याद आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। 52nd है भैया स्फाइगमोमीटर। स्फाइगमोमीटर ये तो सभी को पता होगा। इसमें क्या होता है, मेजर्स ब्लड प्रेशर। बीपी किस चीज़ से नापते हैं अपना, है ना, ब्लड प्रेशर किस चीज़ में नापते हैं, ये स्फाइगमोमीटर से नापते हैं। आपने हॉस्पिटल में देखा होगा कि वो एक उनके पास बेल्ट टाइप का होता है, उसको अपने इधर आर्म्स में बांध देते हैं, फिर प्रेस करते हैं उस बॉल को, तो फिर क्या होता है, ये ऐसा टाइट हो जाता है, राइट। तो उस टाइप का होता है स्फाइगमोमीटर, आपने पक्का देखा ही होगा, इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। 52 है भाई साहब स्टेथोस्कोप। ये भी पता होगा, बचपन में ही देखा होगा आपने। तो ये क्या होता है, डॉक्टर्स के गले में लटका हुआ होता है, सभी को पता है। यूज्ड बाय डॉक्टर्स टू हियर एंड एनालाइज हार्ट एंड लंग साउंड। दिल की धड़कन और लंग्स में जो साउंड आ रहा है, वो उस चीज़ को कौन पता करता है, स्टेथोस्कोप। तो ये चीज़ डॉक्टर यूज़ करते हैं, बहुत ईजी है, ठीक है। मैंने सारा का सारा पढ़ा दिया गाइस, पूरे 1 से लेकर 50 तक बता दिया, एक भी नहीं छोड़ा है। यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का बनेगा और आपका एक नंबर पक्का है, इस बात की गारंटी है ना। अब देखिए 54 कौन से नंबर का, स्ट्रोबोस्कोप। ये क्या होता है भैया? ये करता है टू व्यू रैपिडली मूविंग ऑब्जेक्ट। मतलब जो बहुत तेज़ चलते हैं ना, ऐसे ऑब्जेक्ट जो बहुत तेज़ मूव करते हैं, उस चीज़ को कौन मेज़र करता है, स्ट्रोबोस्कोप। इसको याद कैसे रखेंगे दोस्तों? देखिए मुझे कैसे याद हो गया, इस स्ट्रोबो के अंदर वर्ड रोबो है ना। अगर मान लो आपने वो मूवी देखी रजनीकांत की, चिट्टी चिट्टी रोबो, वो वाली, तो वो उसका रोबोट कितनी तेज़ भागता था, यहाँ वहाँ चला जाता था, तो उसकी स्पीड को कौन वो करेगा मेज़र, स्ट्रोबोस्कोप करेगा ना, क्योंकि वो इतनी स्पीड से निकल जाएगा, सन्न से निकल जाएगा, पता नहीं चलेगा। तो उसको एक डिवाइस आती है स्ट्रोबोस्कोप, जिसकी हेल्प से अपन उस रोबोट की स्पीड मेज़र कर सकते हैं, या फिर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट की, ओके। तो आपको याद आना चाहिए, मैं विजुलाइज़ करवा रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। स्ट्रोबोस्कोप भाई साहब क्या करता है, टू व्यू रैपिडली मूविंग ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट बहुत तेज़ चल रहे हैं, कोई गाड़ी घोड़ा या जो भी है, तो उस चीज़ को कौन मेज़र करेगा, स्ट्रोबोस्कोप, ओके। चलिए अब देखिए आगे बढ़ते हैं। 55 है टेलीमीटर। टेलीमीटर में क्या होता है भाई साहब? टेली मतलब खुद होता है दूर, दूर की चीज़। इसमें क्या होता है, रिकॉर्ड्स फिजिकल हैपनिंग्स एट अ डिस्टेंट प्लेसेस। मतलब बहुत दूर अगर कोई फिजिकल हैपनिंग हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई चीज़ हो रही है, कोई फिजिकल हैपनिंग हो रही है, कोई फिजिकल घटना, तो उसको कौन मेज़र करेगा, टेलीमीटर, इंपॉर्टेंट है गाइस, देखिएगा। टेली मतलब ही दूर होता है, ठीक। चलिए अब 56 आ गया टेली प्रिंटर। इसमें क्या होता है गाइस, टेली प्रिंटर में, टेली प्रिंटर इज़ यूज टू रिसीव एंड सेंड टाइप्ड मैसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मतलब जो टाइप्ड करके जो अपन मैसेज टाइप कर देते ना, उस मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह कौन पहुंचाता है, टेली प्रिंटर पहुंचाता है गाइज। ये भी इंपॉर्टेंट है और आपको समझ में भी आ रहा होगा, है ना। और अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ रहा हो गाइज, तो लाइक कर लीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वरना आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, है ना। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल पर प्रेस कर दीजिएगा, इससे क्या नोटिफिकेशन आएंगे आपको, ठीक। और इसके अलावा मैंने प्लेलिस्ट में काफ़ी वीडियोस डाले हैं, करेंसी, कैपिटल, कैबिनेट, है ना, सीएम, सारा कुछ डाला है मैंने। आप एक बार प्लेलिस्ट में जाकर चेक करेंगे ना, आपको काफ़ी कंटेंट मिल जाएगा याद करने लायक, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। उससे एक एक नंबर आपके बढ़ेंगे, एक एक नंबर गारंटी है। जैसे करंट अफेयर में आता है ना सीएम, गवर्नर, तो मैंने ट्रिक्स की हेल्प से आपको बताया सारा का सारा। आप एक बार चेक करिए, फैन हो जाएंगे, ठीक है। चलिए 57 क्या भाई साहब, टेलीस्कोप। टेलीस्कोप पता ही होगा आपको। इसमें क्या होता है, टू व्यू डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इन स्पेस। भैया अपन जो चांद तारे देखते हैं ना, तो वो टेलीस्कोप की हेल्प से देखते हैं कि मतलब ब्रह्मांड में देख रहे हैं कि भैया कौन सा तारा क्या है, ठीक है। तो टेलीस्कोप क्या होता है, टू व्यू डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इन स्पेस। ब्रह्मांड में, आसमान में देखते हैं टेलीस्कोप की हेल्प से, ये लोग उनके पास होता है, ये इसरो मिस्रो वाले साइंटिस्ट के पास ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब आइए 58 पे भाई, थर्मामीटर। ये भी पता होगा, बिल्कुल बेसिक चीज़ें बताइए मैंने, और सारा का सारा लूसेंट बुक से लिया ये कंटेंट। आप बिल्कुल भी ये डाउट मत रखिएगा कि क्या पता कहाँ से है, सारा का सारा लूसेंट से आप देख लेंगे तो कहेंगे हाँ भाई सही है बिल्कुल। थर्मामीटर क्या करता है, मेजर्स टेम्परेचर। भाई साहब जब बुखार उखार आ जाता है ना आपको, तो आपके मम्मी पापा आपके मुँह में वो थर्मामीटर डाल देते हैं, हाँ भैया लो चेक करके बताते हैं कि क्या टेम्परेचर चल रहा है, तो वो थर्मामीटर होता है, ठीक। चलिए 59 थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट भी अच्छा है ये। थर्मोस्टेट में क्या होता है, थर्मोस्टेट इज़ यूज टू रेगुलेट टेम्परेचर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट।
गाइस थर्मोस्टेट मैंने ऐसा पढ़ा है कि थर्मोस्टेट में क्या होता है, मतलब वो घूम फिर के एक ही पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ आ जाता है, आप उसको ऐसा टेढ़ा कर दो या ऐसा कर दो, वो घूम के यहीं आ जाएगा मेन पॉइंट पे, यहाँ आ जाएगा, तो वो रेगुलेट कर करा के पर्टिकुलर पॉइंट पे आ जाता है, उसको बोलते हैं थर्मोस्टेट। ओके चलिए अब देखिए 60 क्या है, टोनोमीटर। टोनो के अंदर वर्ड आ रहा है टोन, तो यहाँ वॉइस की बात हो रही होगी थोड़ी साउंड की, तो टू मेजर द पिच ऑफ द साउंड। अब देखो कुछ लड़कों की या कुछ लड़कियों की आवाज़ बहुत तेज़ होती है, लड़कों की पिच बहुत ज़्यादा होती है, लड़कियों की आवाज़ कितनी तेज़ आती है, तो वो सब पिच पे डिपेंड करता है कि भैया पिच क्या है उस साउंड की, ठीक है। तो टोनोमीटर क्या करता है, टू मेज़र द पिच ऑफ द साउंड, कि कितनी उच, मतलब वो उसमें पिच है उसकी, कितना भारी टाइप की आवाज़ है इस टाइप की, है ना, पिच देख लेना इसको। और 61 है ओडोमीटर। भैया ओडोमीटर में क्या होता है, टू मेज़र रेन लेवल। अब देखिए ऐसा ओडोमीटर क्या यूज़ आता है, जब रेन मेन की वो बढ़ जाती है ना, बहुत तेज़ बारिश होने लगती है, तो उसका लेवल वेवल नापने के लिए, उसकी इंटेंसिटी नापने के लिए कि भैया कि रेन की क्या इंटेंसिटी है, उस चीज़ को कौन यूज़ करता है, कौन मेज़र करता है, ओडोमीटर। मैंने ऐसे याद रखा था कि भैया इतनी तेज़ बारिश हो रही थी और तूफान चल रहा था कि मेरा छाता उड़ गया, वो उल्टा हो गया और छाता टूट गया मेरा, है ना, ऐसा लिंक करिएगा, छाता टूट गया तो मैं बोल रहा हूँ अरे भैया रेन वेन के लेवल को चेक करो, जो मेरा छाता ही उड़ गया है ना, छाता ही जब उड़ गया तो उसको मेज़र करो जल्दी, क्या इतनी इंटेंसिटी क्या है, ठीक है। तो मैंने लिंक कर लिया कि ओडोमीटर टू मेज़र रेन लेवल। ओके आपको भी याद आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। अब 62 कौन सा, ट्रांसपोंडर, ये भी आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना तो पढ़ लीजिए। ट्रांसपोंडर क्या होता है भाई साहब, टू रिसीव अ सिग्नल एंड ट्रांसमिट अ रिप्लाई इमीडिएटली। गाइस ये अपन जो फ़ोन वोन लगाते हैं ना, तो इसमें ट्रांसपोंडर की बड़ी भूमिका है, तो ये आप पढ़िएगा आपको पता चलेगा कि ट्रांसपोंडर एक डिवाइस होती है, उसमें क्या होता है, टू रिसीव अ सिग्नल एंड ट्रांसमिट अ रिप्लाई इमीडिएटली, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ट्रांसपोंडर क्या होता है, तुरंत सिग्नल को रिसीव करता है और तुरंत ही रिप्लाई भेजता है ना, वरना जैसे अपन फ़ोन लगाते हैं ना, मैं यहाँ से एक जगह फ़ोन लगाऊंगा तो तुरंत फ़ोन चला जाएगा, क्यों, इसकी वजह से, वरना एक घंटे में फ़ोन जाएगा तो क्या मतलब, ठीक। अब देखिए 63 कौन सा, वेंचुरी मीटर, ये भी इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट गाइस, लूसेंट की बुक से मैंने पूरा कंटेंट लिया है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा अच्छे से ईमानदारी से, पार्ट्स में पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको ईजी रहे, एक एक गोल को अचीव कर पाओ आप, एक पार्ट दो पार्ट तीन पार्ट ऐसे, ठीक है। वेंचुरीमीटर क्या करता है भाई, टू मेज़र द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। भैया लिक्विड का रेट ऑफ फ्लो क्या है, उस चीज़ को कौन मेज़र करता है, वेंचुरीमीटर, क्या है ये एक बार फिर से पढ़ते हैं, वेंचुरीमीटर क्या करता है, टू मेज़र द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, लिक्विड किस स्पीड से किस रेट से फ्लो कर रहा है फ्लोर पर या कहीं भी, तो उस चीज़ को कौन मेज़र करता है, वेंचुरीमीटर, ठीक है, इंपॉर्टेंट पढ़ लीजिएगा। अब ये सेकेंड लास्ट है भैया, विस्कोमीटर। विस्कोमीटर क्या होता है, ये करता है मेजर्स द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। अब लिक्विड की विस्कोसिटी को मेजर करता है, विस्कोसिटी जैसा मैं कहूँ, जैसे इसको तेल भी नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे थोड़ा ग्रीस टाइप का होता है ना, ऑयल टाइप का, कैसा थोड़ा विस्कस होता है, हल्का हल्का मोटा सा, मतलब थोड़ा जो ऐसा हाथ में चिपचिपाता है वैसा, है ना, तो उसी को बोलते हैं विस्कस मीडियम। तो ये विस्कोमीटर उसी चीज़ के लिए बना है, मेजर द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। ओके याद आना चाहिए आपको, इंपॉर्टेंट है, वैसे भी उसके वर्ड ही अंदर आ रहा है ना, विस्को वाला और ये वाला विस्को, ठीक है। अब भैया लास्ट ये है वोल्टमीटर, ये तो सभी को पता होगा। वोल्टमीटर में क्या होता है, टू मेज़र इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बताता है दो पॉइंट के बीच में कि भैया पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, कौन बताता है, वोल्टमीटर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है और सरल भी है। गाइज़ मेरी तरफ से इतना ही, मैं आपको फिर से कहूँगा कि आप 2 से 3 बार इस वीडियो को रिवाइज़ करिए, है ना, आपको पक्का याद हो जाएगा और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ये कुछ 60 पैसे अगर आपने कर लिए ना, 60 to 65 बता दिए मैंने एक एक पार्ट करके, ये कर लिए तो एक नंबर आपका पक्का, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस रिविज़न करते रहिए। मैं तो यही हर बार हर वीडियो में यही बोलता हूँ कि रिविज़न इज़ द की, ठीक है, तो रिवाइज़ करिए, बार बार पढ़िए, सिलेक्शन ज़रूर होगा, मेरी बेस्ट विशेस है, थैंक यू सो मच।